जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी है यहाँ और दिव्य दरबार चालू हो चुका है। तो अभी अंदर जाएंगे और दिव्य दरबार में किसकी किसकी अर्जी लगनी है, किसके किसके किस्मत खुलने वाले हैं आज, वो दिखाएंगे आपको। और फिलहाल अभी दिव्य दरबार चालू है, कुछ लोगों की अर्जी लग चुकी है और अभी हम अंदर जाने वाले हैं। भाई को हार्ट में दिक्कत बनी थी, श्वास लेने में भाई को लंग्स खराब हो गए थे दोनों, जिस कारण से उनकी मौत हुई है। कोविड का नाम दिया गया है, बात सत्य है, परंतु ये वाली बात भी सत्य है। इनके द्वारा ये उपाय ये करवाया गया, इनका हाथ है। नाम नहीं हम बोलेंगे माइक से, ना बात बोलेंगे, तुम्हारा काम हो गया। तुम पढ़े लिखे हो और समझ गए ये वाली लाइन, इनका हाथ है, इनने ये किया है, इन्हीं ने धमकी दी थी घर बर्बाद कर देंगे। माइक से बोलो। जी गुरुदेव, वर्तमान युग में अब तक जो कहते थे कि भगवान नहीं होते, शक्तियां नहीं होती, भारत के इतिहास से बातें सरकार जी की ऐसी जबात की अनुकंपा की बनता हुई है कि भारत के इतिहास में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े काल, बड़े बड़े विद्वान पढ़े थे, बोले भगवान जी होते हमने ठाकुर बात बताई। इसी पंडाल के मध्य में डी में पीछे वाली डी में पीयूष नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। और यह हाँ पीयूष नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। ये दूसरी डी में तीसरी डी में विराजमान है और पीले रंग का वस्त्र होना चाहिए। एक दो तीन, कौन है? हाथ हटाओ, हाथ ऐसा करो तब। हाँ तीसरी डी है, हाँ तो आ जाना, आ जाने दो। पीले कपड़े हैं ना? हाँ हाँ, लेकर आ, जल्दी लेकर आ, बड़े आराम से, बड़े धक्का मत, आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए। अब राम 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 राम, माताओं में राजकुमारी नाम की माताजी की अर्जी स्वीकार हुई है। और राजकुमारी नाम की माताजी एक नंबर पंडाल में विराजमान है, जो इस तरफ का पंडाल है वहां एक नंबर पंडाल में विराजमान है। आपा चाहिए हाँ, लास्ट की तरफ भेज दीजिए इनको। और बढ़ो और बोलो राम, उस बालक को भेजो जल्दी जल्दी आओ। साथ में है कोई? उनके साथ वालों को भी बुला। उस बार को अकेले को क्यों, साथ वालों को आ जाने दे, ऐसे नहीं रुक जाओ। इसके बाद सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। पुनः इसी दो नंबर पंडाल के अंदर से बालाजी की जो प्रेरणा लगी है, अरविंद नाम का बालक, नाम अरविंद है, अरविंद नाम के युवक की अर्जी स्वीकार हुई है। और ये जो है ये वाली पहली वाली डी के अंदर ही विराजमान है और चश्मा होगा, नाम अरविंद होगा और शर्ट पहने होंगे, हरे से कलर की शर्ट होनी चाहिए। चश्मा है? अच्छा इसी में बैठे, हाँ आ जाइए आ जाइए। और आगे बढ़ो, उस बालक के साथ में कौन है, इनको अंदर भेज दीजिए। जो बालक के साथ में कौन है, बालक के साथ भेज दीजिए अंदर, छोड़ दीजिए। बेटा जल्दी आ जाओ, आ जाओ नदी का बेटा, आप ही आ जाओ साथ में। कहाँ से आ रहे, नदी आ जाओ, सीन नहीं हमारी लगी, जबलपुर से।
हमें कैसे पता? सब बालाजी के अंदर आपकी परवाह। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे। तो हमने किया और पूछो क्या प्रश्न? मेरे तो कुछ प्रश्न नहीं पूछो, मैं तो लेकर आ गया हूँ। हाँ अच्छा, नारियल बांध के आए कि लिख के आए? लिख के भी रखे आए। किसको दिया? अच्छा, बालाजी को नारियल बांधा है। ठीक, उसमें नाम लिखा था क्या? नाम नहीं लिखा। नाम नहीं लिखा, प्रश्न अपने लिख के। अच्छा, क्या मेरे साथ प्रश्न थे? हाँ, पापा को लेकर, भैया को लेकर। हाँ, अपनी फैमिली को। आपका नाम क्या है? मानसिंह। मानसिंह, आपके पिताजी का क्या है? अनवर झारिया। अनवर झारिया, ठीक है। अनवर, ठीक, कोई प्रश्न और? बस यही प्रश्न जो लिख के आया हूं। एक और है, बोलो। मिसेस का जॉब के लिए। ठीक, पढ़े लिखे हो? क्या पढ़ाई की आपने? आठवीं क्लास। पर्चा पढ़ लेते हो? पढ़े। बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? झूठ मत बोलना ना, अंधविश्वास में पढ़ना। आइए नजदीक आइए। घर पूरा हैरान, धन की तंगी बनी हुई है। पीयूष को स्वास्थ्य की दिक्कत व पीयूष के पिता की भी अर्जी स्वीकार है। पिता मानसिंह की अर्जी स्वीकार है। कृपा होगी मानसिंह के पिता अनवर की भी अर्जी स्वीकार है स्वास्थ्य को लेकर, व आपकी पत्नी का जॉब योग 3 वर्ष के अंतर्गत बनेगा। आशीर्वाद है। बोलिए, माइक से क्या यही बोल रहा है? सही बात है। बात एकदम सही। सही, कोई संदेह? अब दो बातें और सुनो। घर में पितृदोष के कारण कलेश बन जाता है, वह स्वास्थ्य की उठापटक भयंकर मची। भवन का कार्य 3 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण होगा। नौकरी में धन खर्च होगा, लेकिन एक सपोर्ट के साथ जॉब योग 2026 के मार्च महीने के बाद योग बन रहा है। आपका सिर का दर्द भी ठीक होगा। बालक पीयूष का पेट की पीड़ा व जुखाम, ये दोनों बने रहते। माइक से बोलते जाओ, हाँ या ना। जी गुरुदेव। बराबर बोलते जाओ। बराबर। जुखाम बनता है, ये भी धाम की कृपा से ठीक होगा। आप अपनी कुल देवी का हवन घर पर करवावें। आज के बाद स्वास्थ्य का उपद्रव नहीं बनेगा। जाओ, आशीर्वाद है। ये परिचय इतना तुमने किसी को दिया? माइक से बोलो। किसी को नहीं दिया। किसी को बताया? ये किसी को नहीं बताया। जाओ, अगला नंबर। हाँ, पीली वाली माता जी, इसमें हम लेकिन बोल रहे, इसमें हमको विवाद की स्थिति बन गई। ये हम आपको अभी बताएं, लेकिन हमारा विवाद नहीं कोई बना। शून्यपन है उनको, वहाँ दर्शन करवाना है, मंगलवार को लाना है। माइक ले लो आप, एक मिनट। जी गुरुदेव। ये रहस्य यहीं तक रखना, नहीं तो इसके जिम्मेदार तुम हो। हम क्योंकि लफड़ों में फंसना नहीं चाहते, 10-20 लफड़ा में पहले ही से हम फंसे हैं। पढ़िए, हमने यहाँ से लिखा, आपके भाई को हार्ट में दिक्कत बनी थी, सांस लेने में भाई को लंग्स खराब हो गए थे दोनों, जिस कारण से उनकी मौत हुई है। कोविड का नाम दिया गया है। बात सत्य है, परंतु ये वाली बात भी सत्य है। इनके द्वारा ये उपाय ये करवाया गया, इनका हाथ है। नाम नहीं हम बोलेंगे माइक से, ना बात बोलेंगे। तुम्हारा काम हो गया, तुम पढ़े लिखे हो और समझ गए ये वाली लाइन। इनका हाथ है,
इनने ये किया है, इन्हीं ने धमकी दी थी घर बर्बाद कर देंगे। माइक से बोलो। जी गुरु जी। दी थी, इन्हीं ने धमकी दी थी घर बर्बाद कर देंगे, इन्हीं के कारण ये स्थिति बनी है। बाकी अब इसके पीछे जाना ना पड़ो, सत्य की विजय होगी। अब वो तो चले ही गए हैं, लौटा तो हम नहीं सकते हैं, लेकिन ये फिर से तुम्हें प्रसाद खवाएंगी चंडालन देवी जी, बच के रहना। ये वाली लाइन हम काट भी रहे हैं ताकि हम आओ तुम कोर्ट में पर्चा ना धार दो कि बागेश्वर बाबा ने बताओ आगे को लगो हम अब उसी फॉर्म में चल रहे हैं। बिल्कुल मंगल की पेशी करने के लिए उठ जा, अब खुश जो तो ना देने बताओ तो काबू निकाल गया तोरो भलो हो गया। हाँ राजकुमारी माता जी पीली साड़ी वाली कहाँ बैठी थी? पहले पंडाल में। जी बेटा। अच्छा ठीक है, तुमने सोचो तो तुम्हें बुला लो। नहीं सोचे बेटा, आपने अपनो नामा में तो काबू में बताओ, किसी को नहीं बताया बेटा, धामाम पे बता दो, किसी को नहीं बताया। कब हम गई हो धाम? नहीं वहाँ दमोह गए थे। अच्छा दमोह गई हो। हमें कैसे पता लग गया मताई? बालाजी हम नहीं, हम तो भोकबाड़ी और बदमाश हैं। पूछो का है बब्बा जी के चरण में पकड़ा? बस भक्ति चाहिए बब्बा जी की और मार्ग उपासना। ठीक है, पढ़ी लिखी हो? शरीर में दर्द, हाँपी बनती, घुटनों में दिक्कत होता है, बेटी का प्रश्न है, बेटी जॉब योग चाहती हैं, नौकरी की तैयारी बेटी कर रही है, सफल हो जाएगी, चिंता ना करें। सिविल सर्विसेज का चंद्रमा था लेकिन रास्ता बदल गया है, उसको प्राप्त 2.5 साल में होगी। वर्तमान में 8 महीने से डिप्रेशन में है, जो डिप्रेशन उसका दूर होगा धाम के दर्शन से। पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है, पितरों का उपाय करवा देना, आशीर्वाद पूरे परिवार। ये माँ हमने मंत्र लिखा, 3 माला लहसुन प्याज बंद, हम उपाय कर देवी पूरे परिवार पे आज से कृपा, कोनो भूत बाधा नहीं आ। चलिए अरविंद बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, वीरेंद्र महाराज की। हे माता उनसे ही तो मैं मर रहा हूँ, उनसे ही तो भाई ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, देखिए ब्रेकिंग न्यूज, बाबा बन रहा भगवान। बिल्कुल मोरी मत आए, मोर तो बड़ी देख। आजकल तो हम जब बाथरूम जैसे हमें डर लगन लगत कहीं है सना, हम नहा भी जाए और बाहर ब्रेकिंग न्यूज चल जाए। अभी अभी बाबा को टावल लेकर देखा गया अंदर जाते हुए, लाइक कभी देखिए हमें बड़ा डर लगा। पहले ठीक है तो अब तो बड़ा ही आप आते भगवान की माइक लो, कहाँ के हो माइक लो, तुमने इतने नाम लिखवा आपको हमें कैसे पता लगा? तुम तो माना बनाते कि ऐसा भी हो सकता है, दो बदमाश हो तुम, हम जाने तो मैं बहुत तरीका था, तुम घरे काका काद रहे करवा दिए, हम हम भाई भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिंदू जना काद रहे तो पागल बने फिर रहे कहीं कुछ नहीं है। अब तुम्हें पागल बना के ना बताइए तो हाँ ना नहीं, मैं पागल होने तो यार। सीताराम कहाँ रहती हो? जबलपुर। मैं भरोसा से नंबर आज के शोक नहीं है, बनेंगे, सभी काम रुक जाते हैं, कृपा आज से ही होगी, परिवार बच्चों की उन्नति होगी, कलेश शांत होगा, आपके पेट व सीना व शरीर में दिक्कत होगी, मैं पेट की दिक्कत व सीना की दिक्कत से ग्रसित है, पत्नी तैयारी कर रही है जॉब की, योग नहीं बन पा रहा है, योग नहीं बन पा रहा है, प्राइवेट योग है, सरकारी का योग नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट आपको बता देते हैं, लेकिन कलेश मिटेगा, धन की उन्नति होगी और कोई भी इन्फेक्शन लौट कर नहीं बनेगा, बागेश्वर बालाजी की कृपा से आशीर्वाद।
जहाँ भी आप देखेंगे चारों तरफ आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, लोग ही लोग नजर आएंगे। और गर्मी बहुत ज्यादा थी तो अभी भाई के साथ बर्फ गोला खाए हैं। भाई तो दो मिनट में खत्म कर दिया, लेकिन अभी हमारा बचा हुआ है, अभी खाते हैं बर्फ गोला और अब जा रहे हैं भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। चलिए देखते हैं प्रसाद कितनी देर में हमें मिल पाएगा। तो फिलहाल खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, पत्तल वत्तल मिल गई है, लेकिन पता नहीं खाना कितनी देर से मिलेगी। और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ भंडारे पे भी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं भोजन के लिए, और कुछ लोग आ भी रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं। यहाँ पूरी पंडाल भरी हुई है, अभी आप खाना खा रहे हैं।